मुझे इसके इरादे नेक नहीं लग रहे। ये मैं जिंदा नहीं जाने देगा। तुम घबरा क्यों रही हो आरफा? अगर गोल्डन ने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने सुना है कि पठान बहुत मेहमान नवाज होता है। आप एक काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं दे देते गोल्डन खान को 50 लाख रुपए? कम से कम आपकी बेटी तो वापस आ जाएगी। माया बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें पैसे दे देने चाहिए उसे। क्या लगता है तुम लोगों को कि ये पैसे मुझे ये बेटी से ज्यादा अजीज है? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता कि गोल्डन खान एक लालची आदमी है? अगर मैंने उसका तकाजा पूरा कर दिया तो वो और भी डिमांड करेगा। इस जंगली इंसान से कैसे जान छुड़ाएं? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आवाज जाए मोरी लाल दुपट्टी मखमल का लोशे लोशे पुड़ 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 आटो आटो पर एक निष्ठा मेरा आटो आगे आटो। रुक गया बचत हो गया, एक्सीडेंट होते होते बच गए। गुल खान जी। खान जी गुल खान, ये सामी तो बहुत मोटा है, करोड़पति भी है पर है बड़ा कंजूस। हमने 50 लाख मांगे, कहते हमारे पास नहीं है निश्ता। हाँ जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ता है। वोई 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 गुलखाना में कुर्बान, क्या मशवरा दिया है। गोल्डन खान नाम है हमारा। ये लोग इधर से कुछ दिए लिए बगैर जा नहीं सकता। तो फिर क्या करेंगे? हाँ जी गुल खान, तुम तो जानता है कि गोल्ड हमारा कमजोरी है। हम अपने हाथ के अलावा किसी दूसरे के हाथ में गोल्ड देखे ना, हमारा अंदर का जानवर जाग जाता है। और गोल्ड हासिल करने के लिए गोल्डन खान कुछ भी कर सकता है। तुम जाओ डांस मानस का बंदोबस्त करो, खटक डांस। जाओ जी। हाँ जी जाओ। गोल्डन खान, ये क्या बदतमीजी है? जिस आदमी को औलाद से ज्यादा दौलत से प्यार हो, उसको जीने का कोई हक नहीं। हमारा दिल आ गया है, खानम के जेवर पर अगर वो हाथ लग जाए तो मजा आ जाएगा। सारा बंदोबस्त हो चुका है। हाँ जी, गुल खान किसी चीज का कमी वमी नहीं होना चाहिए। जी खान जी। चलो ठीक है, हम जरा अपने मेहमानों का पता करके आते हैं। गोल्डन, तुम हमने तुम्हारे वास्ते एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त किया है। अभी इधर जंगल में मंगल होएगा। राशा 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 जल्दी आओ। मेरे आदात की चाल ये बता रही है कि मुस्कान जिंदा है, मगर सवाल यह है कि वो अगर जिंदा है तो फिर है किधर? इससे पूछता हूं। क्या हुआ दिलबर, तुम सोए नहीं? सनम जहां, मेरे वजूद में आग लगी हुई है। तैश से मुझे नींद नहीं आ रही। हुआ क्या है? तुम तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मुस्कान कहाँ है। मैंने इसे बता दिया कि मैंने मुस्कान को हवेली वालों के हाथों मरवा दिया है, तो ये अभी और इसी वक्त मुझे मार देगा। सनम जहां, तुम्हारी खामोशी ये बात बता रही है कि तुम जरूर कुछ जानती हो। मैं उतना ही जानती हूँ जितना कि तुम जानते हो। तुम कितना जानती हो? यही कि मुस्कान के बाप की तबीयत ठीक नहीं थी और वो उनके पास गई है। झूठ मत बोलो सनम जहां, मुस्कान अपने बाप के घर नहीं गई, बल्कि उसको हवेली वालों ने कत्ल कर दिया है। कत्ल? हाँ, मुस्कान कत्ल हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं। तुम्हें किसने बताया ये? मुझे ये बात ताजी ने बताई है। ताजी? उनका तो दिमाग खराब है, बोल ही नहीं सकते। और तुम उनकी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो? झूठ मत बोलो सनम जहां, मुझे बताओ कि मुस्कान के कत्ल में कौन लोग शामिल हैं। तुम ये जान के क्या करोगे? मैं उन सबको मार दूंगा। दिलबर को मालूम नहीं होना चाहिए कि मुस्कान को किस किस ने मारा है। तुम फिक्र ना करो दिलबर, मैं पता करती हूँ कि क्या मुस्कान को वाकई किसी ने मारा है, और अगर किसी ने मुस्कान को मारा हुआ तो हम दोनों मिलकर उसको खत्म करेंगे। नहीं छोड़ूंगा उन सबको, तड़पा तड़पा के मारूंगा एक एक को, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे मकसद से दूर कर दिया है। हाँ। अब मजा आएगा। अच्छा दिलबर, तुम एक बार पाशी से मिल लो। बिना पानी की मछली की तरह से तड़प रही है। बस एक बार। तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तुम इच्छाधारी नागिन? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि गोल्डन खान ने तुम्हें क्यों कैद किया है और तुम्हें क्यों मारना चाहता था? तुम इच्छाधारी नागिन? आ गया इस वक्त। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अरे सब्र करो भाई, आ रहा हूं। ओह, आ गया आ गया। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। रायन बेटा, तुम देख रहे हो रायन बेटा? मुस्कान तो ठीक है ना? लेकिन मुस्कान तो आपकी तरफ आई थी ना। नहीं तो? आपकी तबीयत खराब थी। मेरी तबीयत? मजाक के मूड में हो? अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ? मुस्कान तो हवेली में ये कहकर आई है कि आपकी तबीयत बहुत खराब थी। अगर वो यहां नहीं आई तो कहां जा सकती है? नहीं आई। हाँ समझ गया, वो शायद फरखंदा के यहाँ गई हो। फरखंदा? हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए उनकी मुलाकात नहीं हुई ना, और इसीलिए आरफा बीबी से उसने मेरी बीमारी का बहाना किया। मगर क्यों? फरखंदा को अपनी भाभी से कुछ शिकायतें हैं, हो सकता है कोई दुख सुख खोलने चली गई हो। रहमे चाचा क्या बात है? चाचा इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा था? ये बेटा रायान आया है। रायान भाई आप, और इतनी रात को? खैरियत? तुम कौन हो? क्यों मजाक कर रहे हैं? मैंने पूछा कि कौन हो तुम? मैं फरखंदा हूं। मुझे लगता है आज आप अपने होश में नहीं हैं। फरखंदा, मैं तो मजाक कर रहा था। डर गई ना तुम? मुस्कान तुम्हारी तरफ है। नहीं तो? पक्की बात है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चल के देख सकते हैं। नहीं ठीक है। रायन भाई सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं चलता हूँ। सुने रायन भाई, सुने, कोई मसला लगता है। हाँ तो फिर क्या किया 50 लाख? गोल्डन खान, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या ऐसा बाप है, क्या ऐसा बाप है। बेटी का जिंदगी की खातिर 50 लाख नहीं दे सकते, कैसा बाप है। और ये गम में अपना बहू बेटी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, और तुम छोड़ो। हम तुम लोग से कुछ सवाल पूछेगा, अगर हर सवाल का जवाब 1 सेकंड में दिया तो तुम लोगों का पैसा भी माफ और हम तुमको खोजी से भी मिलवाएगा। मंजूर? हाँ, हमें मंजूर है। क्या कह रही हो अरफा तुम? क्या हो गया जो? वो मना नहीं गई तो आप बहस क्यों कर रहे हो? 2-4 सवाल ही पूछेंगे। हाँ पूछो। ठीक है, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। जालिम सास, जिंदगी का मकसद खजाने की हिफाजत, खजाने की जगह झील, सबसे बड़ा खुशी मुस्कान की मौत। इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या है? तुम एक जालिम इंसान हो। वो तो हम है। आगे का इरादा? यहाँ से फरार। बस करो आरफा, क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्या कहती है मैंने? बस करो आरफा, खामोश हो जाओ। गोल्डन खान, तुम्हारी मेहमान नवाजी का शुक्रिया, हमें कैदो खोजी नहीं चाहिए, बस हमें जाने की इजाजत चाहिए। चलो आरफा। गुल खान, ये क्या तरीका है गोल्डन खान? हमारा खानदान का रवायत है कि कोई भी मेहमान अगर आए, हमारे घर से कुछ खाए पिए बगैर जा नहीं सकता। बैठो, के ना कुछ खा पी के जाना। ओ, अभी तो खाने में बड़ा टाइम है। दरिया खान, कावा मावा लाओ यार। रुको माया, हमें कुछ नहीं पीना, बस हम जाना चाहते हैं यहाँ से। पियो पियो, इसका पीने से भूख बड़ा जबरदस्त लगता है, फिर खाना खाने का भी तो मजा आएगा ना। पियो पियो पियो। हेलो हेलो सनम जहां मेरी बुलबुल, कहाँ तुम? मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा। ओए होए, इतनी बेकरारी? बेकरारी का अंदाजा तो तुम्हें मुझसे मिलने के बाद होगा। अब ये बताओ तुम कब आ रही? सलमान जी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार में मजा नहीं आता, मजा तो मुलाकात। अब तुम्हारी हो या मैं बाहर जाऊं और झील में कूद के अपनी जान दे दूं। मेरा ख्याल है कि सेकंड ऑप्शन बेहतर है। और मतलब मैं तुम्हें जीता जागता अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक कर रही थी मैं। सनम जहां, कहते हैं मजाक में इंसान अक्सर वो बात करता है जो उसके दिल में होती है। सनम जहां, हेलो। बेकरारी तो के बाद ही खत्म होगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने से कुछ भी खाने के लिए दिया तो मैं तुम्हें भी भूखा मार दूंगा। मैं कुछ नहीं दूंगा ऐसे खाने को। शाबाश। बहुत भूख लगी है तुम्हें? हाँ, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को पड़ा है? इसका मतलब गोल्डन खान की नीयत में फितूर है। ये कावा पी के मुझे तो बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे तो पता नहीं नींद सी आ गई यार। झील में से थोड़ा सा खजाना निकाल के गोल्डन खान को दे देते हैं। कम से कम वो कैदो खोजी को तो ढूंढे, मेरी महक तो मिले। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है। इतना ज्यादा खजाना तो है हमारे पास, अगर थोड़ा सा दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ ठीक है, दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? जानते हैं अगर गोल्डन खान ने सुन लिया तो हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। तुम मत बोलो लड़की, तुम्हारा क्या काम है हमारी बातों में। अरफा, खजाना तो सारा झील में है, झील में जाएगा कौन? भाईजी तो जा नहीं सकते, रायान भी नहीं है, मैं नहीं जा सकता झील। तो सलमान को उतारते हैं झील में, उससे कहते हैं। बड़ी घटिया चॉइस है तुम्हारी। वो सलमान, 2 नंबर शाहरुख खान। उस कमीने को अगर खजाने का बता दिया तो खजाना गया गया खजाना। हाँ। और मैं उसी की वजह से रहना है, बता दूं। इश्फाक, माया है ना हमारे पास, माया जैसे जंगल में तुमने हमारी मदद की थी, यहाँ भी करोगी ना? हाँ, मैं जरूर मदद करूंगी आपकी, लेकिन इसके लिए आप दोनों को मेरी एक बात माननी। अब आप दोनों खामोश रहेंगे और कोई खजाने की बात नहीं करेंगे। अगर आप लोग वाकई चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो आप सिर्फ खामोश रहेंगे। अरफा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लगाओ, कुछ लाओ। मैं झील में नहीं जाऊंगा, पानी में। गुल खान, खाना माना लगाओ, जल्दी जल्दी।